channels, televisions. अभी तक किसी प्रकार की नहीं हो पाई। प्रशासन ने 48 घंटे का मोहलत मांगा था, हम लोगों ने 72 घंटे का मोहलत दिया है और अभी तक किसी भी अपराधी की सही ढंग से गिरफ्तारी नहीं हो पाई। बल्कि हमें तो लगता है कि प्रशासन के द्वारा जांच में लीपापोती की जा रही है। कल उत्तर प्रदेश अग्रहरी समाज के अध्यक्ष रमेश अग्रहरी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कचहरी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया व डीएम को और एसएसपी साहब को ज्ञापन दिया। ज्ञापन दे करके उनको चेतावनी दी गई है कि अगर 72 घंटे के अंदर इसका पर्दाफाश नहीं हुआ तो हम लोग बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करेंगे और बनारस के उच्च अधिकारियों का घेराव करेंगे, उनको कार्यालय से निकलने नहीं देंगे। ये हम अग्रहरी समाज के लोगों का दावा है। हम आज शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं इसका नजायज फायदा प्रशासन न उठाए, भेजा जा करवाए, नहीं तो हम लोग बनारस में आग लगा देने का काम करेंगे। अग्रहरी समाज का तेवर है। हमारे समाज के एक व्यापारी हैं धर्मेंद्र अग्रहरी जी, जो अपने दुकान से अपने घर दुकान बंद करके जा रहे थे और बनारस के 15 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी अपराधी ने इतना जबरदस्त हौसले बुलंद हैं कि दरवाजे पर पहुँचने के बाद 3 गोली मार करके उनकी अपहरण कर ले, उनकी हत्या कर देता है, पैसे की छिनैती करती है और 72 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक प्रशासन मुलजिम तक नहीं पहुंच पाया है। हम देश के ऐसे प्रधानमंत्री के क्षेत्र में रहते हैं जो पूरे विश्व से आतंकवाद खत्म करने की लड़ाई लड़ते हैं और उनके संसद में ही के क्षेत्र में ही हम व्यापारी असुरक्षित हैं। हम यहाँ के प्रशासन से मांग करते हैं कि आप प्रधानमंत्री के मनों को ध्यान रखिए और बनारस को अपराध मुक्त करिए। आज हमारी बहन का सिंदूर उजल गया है कि दूसरे बनारस के किसी बहन का सिंदूर न उजड़े, इसलिए हम लोग यहाँ धरना देना चाहते हैं और इस प्रशासन को जगाना चाहते हैं।